वेलकम बैक टू माई चैनल सने को जुनून। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आई हुई हूँ, आज है इफ्तारी का टाइम, मतलब हमेशा होता है जामा मस्जिद में, ठीक है। तो मैं इफ्तारी के टाइम आज आई हुई हूँ यहाँ पे जामा मस्जिद में, और माशाल्लाह मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इतनी रौनक है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत रौनक है फ्रेंड्स। यहाँ पे लोग जाते हैं, इफ्तारी करते हैं बैठ के, और कुछ लोग असर के टाइम से यानी दोपहर से ही चले जाते हैं। यह सबका अपना अपना अकॉर्डिंगली, ताकि वो चीज़ क्या होता है ना फ्रेंड्स, पहले से यहाँ पे जगह भी लेनी होती है, वरना बहुत 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 रश होता है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, वीडियो में आपको लग रहा होगा कि बड़ी आसानी से वीडियो बन गई है, नहीं, बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं यार। और मतलब बहुत ज़्यादा ही, मतलब मैं तो जनरली जाती नहीं हूँ, दिल देखो सबका होता है जाने का यहाँ पर, बट आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है फ्रेंड्स, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। और मतलब यार, मतलब क्या ही बताऊँ, बस आप समझ जाओ। फिर मैंने यहाँ पे इफ्तारी खैर नहीं खोली थी, मैं आपसे झूठ के बोलूँगी, मैंने यहाँ पे इफ्तारी नहीं खोली थी। जब इफ्तारी हो गए था, मतलब बस उसके जस्ट बाद ही मैं गई थी यहाँ पे अंदर, क्योंकि मुझे पता था बहुत यहाँ पे वो होता है, मतलब यू नो थोड़ा बहुत समझ जाओ आप बस। तो फिर खैर आप देख सकते हो मेरे पीछे जामा मस्जिद कितना खूबसूरत लग रहा है यार, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, मतलब दिस इज़ यू नो ऑल टाइम वंडर वाला है। और माशाल्लाह मेरी मम्मी भी बेचारी इतनी, आप शक्ल देख के पता चल गया होगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मम्मी भी मेरी वीडियो बनाती है माशाल्लाह से, और मतलब बहुत हालत ख़राब हो जाती है, पसीना पसीना, और बैग संभालना भारी, वो भी भारी बैग लेना पड़ता है हमें, ठीक है। और सामने आप देख सकते हो ये जो मेन मार्केट है, अभी हम वहाँ पे आपको लेके चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी आप देखो बाहर निकलने के टाइम, ओफ ओफ, बस मैं तो एकदम हिल ही नहीं रही थी भैया, मैं नॉर्मली अपना चल रही थी, और मेरी मम्मी को भी मेरे को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था, लेकिन पीछे से यार लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सच बता रही हूँ, बहुत धक्का देते हैं। मैं तो यहाँ पे डर के मारे जाती ही नहीं हूँ, बस ये था कि नहीं यार रौनक देखनी है, दिल था तो बस मैं हिम्मत करके गई, लेकिन ये है कि मेरी वजह से मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा। खैर आप देख सकते हो यहाँ पे रौनक कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवाऊँ तो, ठीक है। फिर ये आप देख सकते हो यहाँ पे ना, इन लोगों ने लगवाया रमज़ान मुबारक वो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह वेरी ब्यूटिफुली, मतलब रिटन था यहाँ पे, लिखा हुआ था लाइट्स वाला, और मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। और जामा मस्जिद की क्या खूबसूरती की बात करूँ, मुझे वो बयां करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जामा मस्जिद इट्स सेल्फ अ ब्यूटी, ठीक है ना माशाल्लाह। तो यहाँ पे देख सकते हो आप हालत, मतलब मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है यार, बिकॉज हम और लोगों की तरह नहीं है यार, हम धक्का वक्का नहीं दे पाते, और ना मतलब जो मतलब यू नो भीड़ में स्ट्रगल बहुत, मतलब बहुत करना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा। खैर हम लोग आ गए मार्केट की साइड, कोने कोने में खड़े हो रही थी मैं, है ना, और मतलब बिल्कुल कोने कोने में, एकदम मैं सीधे बीच में चली नहीं रही थी किसी के बीच में ना, मैं एकदम साइड साइड में ना दुकानों के ऐसे साइड में खड़ी हो जाती थी, ताकि मुझे कोई डिफ़िकल्टी ना हो। और मैं वहाँ पर फ्रेंड्स नहीं बोल रही थी, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं था। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फेमस वगैरह है, ये कूल पॉइंट करके, इनका मतलब यहाँ पर तो सब कुछ फेमस है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हबीबीज़ भी मिलेंगे, जो आजकल मोहब्बत का शरबत इन्होंने निकाला हुआ है, तो मैं तो जब से ये हबीबी वाला ट्रेंड चला है फ्रेंड्स, मोहब्बत का शरबत विद हबीबीज़, तो वो मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ। और यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे हबीबी हैं, ये भी बात मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। तो खैर ये सब है, और बहुत बच बच के यू नो मैं अपनी वीडियो शूट करवा रही थी, और मेरी मम्मी बेचारी बहुत बच बच के, बिकॉज़ यार हम भाई नहीं झेल पाते भीड़ भाड़ इलाका, ठीक है ना, ना कभी इतना जाना हुआ। खैर आप देख सकते हो यहाँ पे गरीब नवाज होटल करके भी है यार, चिकन सीख कबाब वगैरह ना देख देख के मुँह में पानी आ रहा है, और चलो मैं खाऊंगी इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो असलम चिकन, एंड यहाँ पे गलियाँ जो है ना, यहाँ पे ना मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे फ्रेंड्स लोग रात भर जगते हैं, सहरी तक
सहरी तक जगते हैं, मतलब कोई 4 बजे तक, कोई 5 बजे तक, मैक्सिमम 5 o'clock फजर तक, एंड आफ्टर दैट जस्ट क्लोज, एंड फिर इफ्तारी से पहले पहले, मतलब यही रूटीन है, मतलब रात को पूरी रौनक रहती है, ठीक है ना। और फिर यही सब है, और फिर मैंने ये इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाली हुई है, मेरी वायरल हुई है, आप ज़रूर देखना इंशाल्लाह ताला। और फिर आप आगे देखते जाओ यार, आपको एक ऐसी चीज़ दिखाओगे जिसको मैं देख के भी हैरत में हूँ। फिर हमने फ्रेंड्स यहाँ पे जस्ट नॉर्मली ऐसे चूड़ियाँ देखने गए थे हम लोग, बहुत खूबसूरत लग रही थी और शाइन भी करती है ना, तो अच्छा ही लगता है। फिर आप देख सकते हो ये जामा मस्जिद की गलियाँ जो बहुत ही सजी हुई थी। फिर भैया, मम्मी और मैं, माने भैया, मैंने कहा कि, अब मम्मी ने कहा कि अब कर लो बेटा रिक्शा, क्योंकि यहाँ पे चलना एज इम्पॉसिबल। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, रिक्शा मिल गया। खैर फिर आप बताइए कि आपको ये व्लॉग छोटा सा कैसा लगा, इस वीडियो को खूब ज़्यादा प्यार दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दो फ्रेंड्स, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।